भाई अभी मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे, क्योंकि अभी हमारे एक दो गाय है, छोटी गाय, वो व्हाइट कलर की गाय, वो भी तो नहीं आई, इसलिए ढूंढने के लिए अभी चलेंगे फिलहाल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस आज वापस सुबह सुबह मैं खेत में आ चुका हूँ। तो अभी क्या सुबह तो क्या है, अभी घड़ी की 12 बजने को आई है। तो फिलहाल आज तो मेरे जाने की थी, कोचिंग जाने की थी, परंतु आज मेरा क्या है, एक आज फर्स्ट टाइम जाऊँगा कोचिंग पर, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। तो आज क्या कैंसिल कर दिया, दोस्त भी मना कर रहा है आज नहीं चलेंगे, क्योंकि आज देखो चारों तरफ पूरा बारिश का मौसम हो रहा है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर भी है कोचिंग। तो जाएंगे जाएंगे मतलब भीग जाएंगे, इस तरफ जाना देखो वो बादल ही बादल है, तो भाई भीग नहीं जाए, इसीलिए आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो मेरी BSTC की पढ़ाई करनी है, तो इसीलिए तो भाई अभी मैंने हाथ मुँह धो लिया, क्योंकि खेत से आते हाथ मुँह धोना जरूरी है, खेत में मच्छर काफ़ी जहरीले होते हैं इसलिए। तो फिलहाल देखो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से चलता हूँ ऊपर एक बार, आज धूप भी लग रही है, सुबह से खाना भी नहीं खाया, अब जाकर खाना खाऊंगा। तो भाई दिस इज द नेक्स्ट डे, तो भाई अब फिलहाल नल आए थे तो पानी भर दिया है, और फिलहाल मैं तो यहाँ पर दूध गर्म कर रहा हूँ और टोनी को भी रोटी खिला दी है। तो आज मैं जाने वाला हूँ, मेरे फर्स्ट कोचिंग डे होने वाला है, क्योंकि मैं BSTC कोचिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर मेरी नई कोचिंग है, तो कोचिंग करने भी जाना है। तो आज मेरा फर्स्ट डे, तो देखते हैं फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो गाइस आज मुझे लगता है मेरा फिर से पॉपआउट होने वाला है, क्योंकि आज तो देखो एक तो बारिश का मौसम हो रहा है, और दूसरी बात आज जो कोचिंग पे जाने की थी, क्योंकि आज फर्स्ट डे था मेरा, पर कोचिंग पे जाने वाला था कि अभी फोन आया कि आज तो छुट्टी है कोचिंग पे, आज कोचिंग पे नहीं जाना है, तो इसी प्रकार आज नहीं जा सकते, तो कल जाऊंगा वापस कोचिंग। तो अभी फर्स्ट डे, पता नहीं कब निकलेगा कोचिंग का, देखता हूँ कब तक, अभी यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है, पर आज छुट्टी है, आज नहीं जा सकते अभी फिलहाल। और फिलहाल देखो यहाँ पर तो पूरा बादल ही बादल हो रहे हैं, बारिश होने की पूरी संभावना है, देखते हैं होती है नहीं होती बारिश। तो भाई अभी शाम की 4 बजने को आई है, और भाई आज इतनी खतरनाक बारिश हुई, मैंने बोला था आज बारिश होगी, तो आज बाहर पूरी खतरनाक बारिश हुई है, तो अब मैं दिखाता हूँ। तो अब फिलहाल पूनम थी यहाँ पर, पूनम मोबाइल देख रही, मैंने क्या एक लॉक लगा दिया मोबाइल का, पूनम लॉक नहीं खोल सकती, सिर्फ मोबाइल को देख सकती है ऊपर से। तो फिलहाल देखो पूरा गीला गीला हो चुका है, अभी एक बार मैं जंपर पे रहता हूँ, आगे जाता हूँ फिर और दिखाता हूँ। तो भाई देखो बादल पूरे काले काले हो चुके हैं, भाई बारिश इतनी तेज आई अभी तक है, उस तरफ तो फिलहाल बाबा पानी पानी क्या भैंस का दूध निकल रहे हैं। तो इस तरफ देखो यहाँ से देखने पर पता चल जाता है बारिश कितनी हुई, क्योंकि भाई देखो पूरा तालाब का तालाब वापिस भरा चुका है, बारिश तो हुई है भाई पूरा एकदम। अभी मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे, क्योंकि अभी हमारे एक दो गाय है, छोटी गाय, वो व्हाइट कलर की गाय, वो भी तो नहीं आई, इसलिए ढूंढने के लिए अभी चलेंगे फिलहाल। फिलहाल भाई देखो यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, भाई 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 एकदम संभल के चलना पड़ रहा है भाई, इतना पानी। तो भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ, और सबसे तगड़ा पानी इस तरफ है, पूरे खेत में इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, जिसको भी नहाना हो वहाँ पर आ जाए जल्दी से, पानी खत्म बहुत जल्दी होने वाला है इसीलिए। तो यहाँ पर देखो भाई इतनी से भाई कीचड़ में से निकलना, अड़मी समुंदर है भाई, कीचड़ में निकलना पड़ रहे हो, हाँ है महीने है। तो भाई अभी देखो पूरा का पूरा रोड खाली है, बस हम दोनों और ज्योति की गाय भी नहीं आई, इसलिए ज्योति भी हमारे साथ आई, हम दोनों है, सिर्फ पीछे सिर्फ एक भैंस आ रही बस, वो साथ में भाई यहाँ देखो पूरा एकदम पानी जा रहा है इससे, भाई पानी की कमी नहीं है, इतना पानी हो चुका है अभी, आज बारिश होते ही। तो भाई ये है हमारे खेत, जो कि पहले वाली आज से लगभग 2-3 महीने वाली पूरी वीडियो भाई इसी का वीडियो बनाया था, भरपूर खेत का वीडियो बनाया था, जो कि अब फिलहाल फुल हरे भरे हैं, अब फिलहाल जाना मुश्किल है। तो अब फिलहाल आयुर्वेदिक तक पहुँच चुके हैं, ये है पीछे आयुर्वेदिक, और यहाँ पर एक छोटी सी आंगनबाड़ी जो कि हमारी यहीं की है, एक वीडियो नहीं सालों भी वो फेमस है, कौन सा, अब मैं कहाँ जाऊँ, आनी बानी आंगनबाड़ी आंगन, हाँ वो आंगनबाड़ी वाला देखे देखे मैं वीडियो। तो अब फिलहाल स्कूल के पास तो पहुँच चुके हैं, और अभी थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अगर मिलती है गाय
तो देखते हैं, बाकी तो बाकी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो भैया देखो पूरा ऊपर पीपल का पेड़, भैया रोड पे आ गया पूरा, पहले साइड में था अब रोड पे। तो भाई अभी तक एक गाय मिली है, तो चलते हैं बाकी की गाय कब मिलती है। अभी मेरी मिली सिर्फ एक बड़ी वाली व्हाइट कलर गाय, वो वाली, तो अभी दूसरी गाय ढूंढते हैं। भाई अभी फिलहाल एक गाय मिल चुकी है, एक गाय को मैंने रास्ता दिखा दिया, एक सीधे जाना है तो वो तो गई सीधे सीधे, तो अब फिलहाल दूसरी गाय ढूंढना है। पर उससे पहले इस तालाब से निकलना पड़ेगा, हाँ इस साइड से निकलो, तो एक बार यहाँ से निकलते हैं फिर आगे चलते हैं। तो भाई अब फिलहाल पहाड़ के ऊपर चल रही है, यहाँ पर एक तगड़ी प्लेस बता रहा हूँ आप सभी को। तो भैया देखो पूरा एकदम सपाट एरिया, मस्त एकदम दूर दूर तक पूरा सपाट है। अब गए थे हम वहाँ पर, ये कोर्ट के पार वहाँ पर एक तालाब है वहाँ तक, तो फिलहाल यहाँ थोड़ा सा और आगे जाना है, यहाँ तक देख लेते हैं, बाकी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं घर पे चले जाएंगे। जैसे एक गाय चाहिए थी मेन, तो और ज्योति के भी गाय लेनी है अभी तक, तो देखते हैं मिल जाती है घर पे लेके चलेंगे। अब फिलहाल यहाँ पर तो नहीं मिली, एक दूसरी जगह और है तो वहाँ पर चलेंगे भी, देखते हैं मिलती है नहीं। भाई आज क्या दौड़ाया है गायों ने, अभी तक मिली नहीं है भाई, दौड़ रहे कब से। तो ये है हमारी वाइट गाय जो कि अभी फिलहाल तो ये तो मिल चुकी है, पर भी दूसरी यहाँ पर तो नहीं मिली। अब सीधे वापस जा रहे हैं घर के रास्ते, तो घर के रास्ते अगर मिल जाएगी तो साथ में लेके चलेंगे, बाकी आज तो मुझे नहीं लगता मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई आगे देखो इतना मस्त नजारा हो रहा भाई, एकदम पूरी गुफा गुफा टाइप अंदर से रास्ता। तो भाई आप फाइनली गाय मिल चुकी है भाई, इतना दौड़े भाई मजा, सभी दूर दूर तक गए न मिले, सिर्फ यहीं पर हमारे पास में ही थी गाय, पूरा खतरनाक पोपट कर दिया भाई। तो भाई जब फिलहाल गाय तो मिल चुकी है और मैं घर पे आते ही तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं जाना है नाथद्वारा, तो अभी थोड़ा सा वहाँ पर काम है, तो अभी एक बार चलेंगे नाथद्वारा। दीपक जी कुछ बोले यार, कुछ बोलिए। हाँ भाई आज तो सबसे मेन तो ये थी, ये वाली घूमचत भाई, खेलने मजा नहीं आता भाई ये सब। अभी हम ढूंढे भाई इतने ढूंढे पर मिली सिर्फ यहाँ हमारे घर पर, हम प्लॉट लिया था वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने कोर्ट कराया था, उसके कोर्ट के जस्ट पीछे खड़ी थी भाई, इतना दिमाग खराब किया इसने भाई आज। भाई जब फिलहाल नादर जाके आया भाई, इतनी तेज बारिश हो रही इसलिए मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया, यहाँ से जैसे निकला बारिश स्टार्ट हो गई, आए तक अभी तक बारिश हो रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो भाई इस व्लॉग को मैं यही प्रेरण करता हूँ, तो आई होप गाइस आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।